डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वे एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाई और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेची। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आइए दोस्तों, हम शुरू से मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के अद्भुत सफर को डिटेल में जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के महसान जिले में वडनगर नाम के गांव में हुआ था। दोस्तों बता दूं कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसे 1 मई 1960 में अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। तो इस तरह अब मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और माँ का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही गरीब था और वे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे। लेकिन हाँ, चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। मोदी के टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में तो एक ठीक ठाक छात्र थे, लेकिन वे नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदा बेन चमनलाल के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज के अनुसार नरेंद्र और यशोदा ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी के इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वे वहां सुबह 5 बजे उठ जाते और देर रात तक काम करते। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास में राजनीति क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था
और तब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात के राजनीति के बारे में चर्चा किया था। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स काफी प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्य की बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली। लेकिन मोदी से कहासुनी होने के बाद शंकर सिंह बघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से मात दी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया, देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ।